हेलो एवरीवन टुडेज आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग और मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग आज हमारा रिमोट सेंसिंग का फोर्थ पार्ट है विस्क ब्रूम स्कैनर क्या होते हैं और पुष्प ब्रूम स्कैनर क्या होते हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमें पता करना होगा कि मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनिंग क्या होती है रिमोट सेंसिंग में जो सेंसर यूज किए जाते हैं वो क्या करते हैं वो रिफ्लेक्टेड या फिर एमिटेड एनर्जी को रिकॉर्ड कर लेते हैं और स्कैनर्स का भी यूज आपने देखा होगा जब आपने कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करवाया होगा तो स्कैन स्कैनर क्या करता है स्कैनर पहले डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है फिर उसको डिजिटल या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है इट इज अ डिवाइस दैट स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट दैम इन टू डिजिटल डेटा तो सैटेलाइट्स में भी जो स्कैनर्स लगे होते हैं उनका भी यही काम होता है कि कैप्चर डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देना सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स होते हैं जिसको हम एम एस एस भी कहते हैं उनको एज सेंसर यूज किया जाता है सैटेलाइट रिमोट सेंसर्स कलेक्ट डेटा यूजिंग स्कैनिंग सिस्टम विद अ नैरो फील्ड ऑफ यू दैट स्वीप्स ओवर द टेरेन टू प्रोड्यूस अ डिजिटल इमेज ऑफ द सरफेस स्कैनिंग सिस्टम जो सैटेलाइट्स में लगे होते हैं उनका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बहुत नैरो होता, नैरो होता है जो कि टेरेन को स्वीप करके इमेज को कैप्चर करता है तो इस बात को हम एक ब्लैंक स्लाइड पर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे मान लीजिए ये वो एरिया है जो कि सेंसर को कवर करना है इसकी इमेज लेनी है सेंसर को इसके ऊपर यहाँ सैटेलाइट है जिसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है तो हमने बात करी है कि नैरो फील्ड ऑफ व्यू फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है यहाँ से यहाँ सेंसर लगा हुआ है और अर्थ पर ये जो इतना एरिया है ये इसको कवर करना है ये जो चीज़ है ये हो गई फील्ड ऑफ व्यू यानी कि स्पेस में से कोई सेंसर अर्थ के कितने पार्ट को एक टाइम में देख पाता है वो कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू और ये जो एंगल है ये कहलाता है एंगल फील्ड ऑफ व्यू एंगल तो कोई सेंसर स्पेस में से पूरी अर्थ की इमेज एक बार में नहीं लेता वो छोटे छोटे पार्ट्स में करके इमेज को कैप्चर करता है फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हुआ सेंसर कितने पार्ट्स को या फिर कितने एरिया को एक बार में देख पा रहा है उस एंगल को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू तो नेक्स्ट इज मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर इज अ स्कैनिंग रेडियोमीटर दैट एक्वायर्स इमेजेस इन वेरियस वेव बैंड सेम टाइम मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर सेम टाइम पर कई वेव बैंड्स में इमेज को रिकॉर्ड करता है और स्कैनिंग सिस्टम को एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स पर भी यूज किया जा सकता है वैरायटी ऑफ वेवलेंथ्स यानी कि बहुत सारी वेवलेंथ्स में डाटा को कलेक्ट किया जाता है नेक्स्ट इज अब हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग के दो रास्ते हैं दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग करते हैं फर्स्ट इज ट्रैक स्कैनिंग एंड सेकेंड इज अलोंग ट्रैक स्कैनिंग स्कैनिंग्रोस ट्रैक स्कैनिंग को विस्क ब्रूम स्कैनर भी कहा जाता है और जो अलोंग ट्रैक स्कैनिंग है उसको हम पुश ब्रूम स्कैनिंग भी कहते हैं तो यहां फिगर में तीन पार्ट दिखाए गए हैं फर्स्ट इज एनालॉग रिकॉर्डिंग और जो सेकेंड बी और सी है वो है डिजिटल रिकॉर्डिंग तो जब कैमरा है कैमरे से जो इमेज हम कैप्चर करते हैं सिंपल भाषा में आप समझिए मान लीजिए आपको कैमरे से इमेज कैप्चर करनी है और जो रिमोट सेंसिंग में किसी कैमरा से यानी कि मान लीजिए एरियल फोटोग्राफी करनी है तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे होता है इमेज को कैप्चर करने का कैमरा एक एक्टिव सेंसर है विच हैज़ इट्स ओन सोर्स ऑफ लाइट और कैमरा इंस्टेंट फोटो यानी कि जो स्नैपशॉट है किसी एक टाइम पे वो रिकॉर्ड करता है आप फोटो क्लिक करते हो तो एक ही टाइम पे वो फोटो ली जाती है यानी कि इंस्टेंट कैप्चर ऑफ एन इमेज मान लीजिए यहां पर ये एरिया है जिसकी आपको फोटो लेनी है यहाँ पर ट्रीज हैं यहाँ पर माउंटेन लगा लीजिए कुछ भी लगा लीजिए आप मान लीजिए यहाँ पर क्लाउड्स आ गए हैं यहाँ पर कोई एनिमल बैठा है तो आपको इस सीन की फोटो लेनी है तो कैमरा क्या करेगा इंस्टेंट टाइम पर इस पूरे व्यू की फोटो ले लेगा ठीक है जिसे हम एनालॉग रिकॉर्डिंग कहते हैं और जो डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है विस्क ब्रूम और स्पुश ब्रूम तो फोटो में दिखाया गया है कि दोनों स्कैनर्स इंस्टेंट फोटोग्राफ को कैप्चर नहीं करते तो डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे फर्स्ट हम बात करते हैं एक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग की जिसको विस्क ब्रूम स्कैनर भी कहा जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज स्पॉटलाइट सेंसर तो ब्रूम का मतलब क्या होता है ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू तो झाड़ू की मूवमेंट क्या होती है सफाई के टाइम पे वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे सफाई होती है ना उससे यानी कि साइड बाय साइड काम लेते हैं हम उससे तो विस्क ब्रूम जो स्कैनर होता है इसकी भी लेफ्ट राइट मूवमेंट होती है यानी कि साइड बाय साइड मूवमेंट से ये इमेज को स्कैन करता है इट स्कैन द अर्थ इन सीरीज ऑफ लाइन मतलब जैसे कैमरा एक शॉट में पूरे एरिया को रिकॉर्ड कर लेता है पूरे एरिया की उस एरिया की इमेज कैप्चर कर लेता है तो जो एक ट्रैक स्कैनर है वो लाइन बाय लाइन इमेज को स्कैन करता है मान लीजिए फिगर में देखो आप ये वो एरिया है जो कि स्कैन करना है जिसकी फोटो सेंसर को लेनी है और ये हो गया स्वाद स्वाथ हमने क्या पढ़ा था स्वाद होता है जो एरिया कैप्चर करना है उसकी व्यथ को हम क्या कहते हैं स्वाद ठीक है, 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 है ये जो सेंसर है इसकी जो फ्लाइट डायरेक्शन है ये इस साइड है और जो स्कैनिंग करता है ये ये जो अक्रॉस ट्रैक स्कैनर है स्कैनिंग किस तरह से करेगा साइड बाई साइड करता है ना ये ब्रूम की तरह तो कैसे हो जाएगी इसकी ये देखो ये दिखाई गई है स्कैन डायरेक्शन ये इसकी स्कैन डायरेक्शन हो जाती है द लाइन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सेंसर प्लेटफॉर्म अक्रॉस द स्वाद ठीक है ये भी जो फ्लाइट डायरेक्शन है वो है इस साइड की ये हमने अभी डिस्कस किया है अभी बात करी थी इसके बारे में और जो स्कैनिंग होती है इस सिस्टम में वो होती है इस तरह से यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट ठीक है नेक्स्ट इज ईच लाइन इज स्कैन फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्वाद टू द अदर कहने का मतलब है कि यहां से शुरू होकर इस साइड से शुरू होकर जो दूसरी साइड है यहां तक ऐसे करके साइड बाय साइड इसकी स्कैनिंग होती है इस सिस्टम में इट यूज ऑप्टिकल मैकेनिकल स्कैनर विच रिकॉर्ड्स द इमेज बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मोशन ऑफ प्लेटफॉर्म एंड अ रोटेटिंग मिरर स्कैनिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेटफॉर्म डायरेक्शन इस सिस्टम में रोटेटिंग मिरर्स और डिटेक्टर्स लगे होते हैं यहाँ पर देखिए ये रोटेटिंग मिरर है और ये डिटेक्टर लगा हुआ है जैसे जैसे प्लेटफॉर्म आगे मूव करता है सक्सेसिव स्कैन के थ्रू टू डायमेंशनल इमेज रिकॉर्ड होती जाती है जो रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी को सेंसर रिकॉर्ड करता है उसको कई स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में सेपरेट कर देता है दीज कंपोनेंट्स आर डिटेक्टेड इंडिपेंडेंटली। अब जो एयरबॉर्न स्कैनर्स हैं वो क्या करते हैं दे टिपिकली स्वीप लार्ज एंगल्स वेयर एज सैटेलाइट स्वीप स्मॉल एंगल्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो मान लो कि ये जो ये अर्थ का सरफेस है यहाँ पर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है तो कहने का मतलब क्या हुआ जो एयरबोर्न है एयरबोर्न प्लेटफॉर्म उनका जो आई होता है वो लार्ज एंगल करता है मान लीजिए ये देखिए ये इतना करना है तो इसका जो एंगल हुआ वो लार्ज हुआ यानी कि ये लार्ज एंगल से उस एरिया को कवर करेगा और जो सैटेलाइट है उसका जो एंगल हम देखेंगे इसको कवर करने का वो हो गया कम तो एयरबोर्न जो स्कैनर्स होते हैं वो किस एंगल में रिकॉर्ड करते हैं कैप्चर करते हैं इमेज को 90 डिग्री टू 120 डिग्री तक और जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका बहुत कम होता है 10 डिग्री टू 20 डिग्री uh, 20 डिग्री तक इतना ही होता है बस जो सैटेलाइट्स होती हैं नेक्स्ट है वट इज़ टाइम द लेंथ ऑफ द टाइम आई एफ वो सीज अ ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल एज द रोटेटिंग मीर स्कैंस ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल यानी कि इतने एरिया को सेंसर कवर करेगा तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है इस ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल को स्वीप करने के लिए जैसे जैसे सेंसर की टारगेट से डिस्टेंस बढ़ती जाती है ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल है जो वो भी लार्जर होता जाएगा जिसकी वजह से इमेज में डिस्टोर्शन आनी शुरू हो जाती है यानी कि इमेज खराब दिखनी शुरू हो जाएगी the ऑफ टाइम द time the ओ वी सीज ग्राउंड सेल एज द रोटेटिंग मीर स्कैंस मतलब वो टाइम जब मीर स्कैन कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को तो आई एफ ओ आई एफ ओ वी यानी कि फील्ड ऑफ व्यू इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू उस सेंसर का ग्राउंड ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल को कवर करता है वो जो डूरेशन है टाइम की वो कहलाती है डाइम आपको समझ शायद आया होगा तो सिंपल टर्म में आप ये याद रखो सेंसर कितना टाइम स्पेंड करता है किसी एरिया के ऊपर जो कि उसको स्कैन करना है वो कहलाता है ड्वेल टाइम ठीक है तो यूवी विजिबल एनआईआर थर्मल रेडिएशंस जो स्पेक्ट्रल बैंड्स में ए लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड कहने का मतलब है कि ये जो रीजन हमने बताया है यूवी विजिबल एनआईआर एंड थर्मल रेडिएशंस इनके बीच में इस रेंज में मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग होती है अब बी क्या है यहां पर बी है डिटेक्टर यहां पर सिंगल डिटेक्टर यूज होता है ठीक है और मिरर भी होता है इसमें, जो स्कैनिंग होती है, उसमें एक रोटेटिंग मिरर भी होता है सेंसर का जो स्पेशल रिजोल्यूशन डिपेंड करता है वो करता है आई एफ वी पर और प्लेटफॉर्म के एल्टीट्यूड पर यानी कि सेंसर कितने एरिया को कवर करेगा हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो साइज अगर हमें निकालना हो कि एरिया कितना कवर करेगा तो हमने क्या बात करी थी किसके बराबर आता है वो आई एफ ओ वी एफ ओ वी इंटू जो एल्टीट्यूड होता है यानी कि एल्टीट्यूड मान लो एच होता है तो क्या बनाइए आई एफ ओ वी इंटू एच एच इज द हाइट ऑफ सेंसर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ जिसको हम कहते हैं जो स्पेशल रिजोल्यूशन होती है इसको हम कहते हैं ग्राउंड रिजोल्यूशन तो एग्जाम्पल है लैंड सेट जो प्रोग्राम है वो एग्जाम्पल है विस्क ब्रूम स्कैनर का लैंड सेट एमएसएस इज द फर्स्ट टाइम इस सेटेलाइट में विस्क ब्रूम टेक्निक को यूज किया गया था जो लैंड सेट एम एम एस है वो सेंसर है जिसको लैंड सेट्स जो सैटेलाइट्स की सीरीज है उस पर लगाया गया था जो कि चार स्पेक्ट्रल बैंड्स में एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं यानी कि जो डाटा वो उनके द्वारा एक्वायर किया जाता है वो चार स्पेक्ट्रल बैंड में किया जाता है द वेवलेंथ रेंज इज विजिबल टू एन आई आर रीजन यानी कि विजिबल से लेकर एन आई आर रीजन तक जो लैंड सेट है वो इमेज की रिकॉर्डिंग कर सकता है एंड स्पेशल रिजोल्यूशन कितनी है लैंड सेट की इस सेंसर की एटी मीटर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन इज सिक्स बिट्स यानी कि टू बेस होता है उसके सिक्स पावर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर तो रेंज कितनी आई रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन की जीरो टू सिक्सटी थ्री नेक्स्ट इज लैंड सेट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में लॉन्च किए जाते हैं जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वो कैसे रिवॉल्व करता है वो ओवर द पोल्स रिवॉल्व करता है लैंड सेट वन टू फाइव फ्रॉम नाइनटीन सेवनटी टू टू नाइनटीन नाइन्टी थ्री जो डेटा कलेक्ट किया गया था इस टाइम में उसको लैंड सरफेस को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट इमेज के रूप में यूज़ किया जा सकता है जो लैंड यूज और लैंड यूज चेंजेस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए लैंडसेट जो सीरीज है वो लॉन्च की गई थी किसकी वजह से जो लैंड सेट जो लैंड चेंजेस हो रहे हैं लैंड यूज चेंजेस हो रहे हैं किसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से ड्रॉट वाइल्ड फायर बायोमास चेंजेस भी ये रिकॉर्ड करता है तो यहाँ पर लैंड सेट की सीरीज दिखाई गई है जो सैटेलाइट है वो कब लॉन्च हुई और सेंसर कौन कौन से यूज किए गए हैं तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए यहाँ पर आठ सैटेलाइट की सीरीज है फर्स्ट 1972 में लॉन्च हुई थी और जो लास्ट है लैंड सेट एट वो लॉन्च हुई थी 2013 में और ये अभी तक ऑपरेशनल है नेक्स्ट हम आ जाते हैं पुश ब्रूम स्कैनर पर विस्क ब्रूम में हमने क्या पढ़ा विस्क ब्रूम में हमने ये पढ़ा है कि जो स्कैनिंग की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है लेफ्ट टू राइट यानी कि ऐसे 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 वो करता है झाड़ू की तरह ठीक है अब ब्रूम स्कैनर जो होता है वो करता है ऐसे आगे और पीछे इसकी मूवमेंट ऐसे होती है पुष्पभ्रूम स्कैनर में जो प्लेटफॉर्म की फॉरवर्ड मोशन होती है उसके थ्रू सक्सेसिव लाइंस में इमेज को रिकॉर्ड किया जाता है दे यूज अ लीनियर एरिया ऑफ डिटेक्टर्स लोकेटेड एट द फोकल प्लेन ऑफ द लेंस सिस्टम यानी कि यहाँ पर जो विस्क ब्रूम था उसमें एक स्कैनर यूज जो डिटेक्टर है वो एक था सिंगल डिटेक्टर और यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टर यूज किए जाते हैं एरे एरे लीनियर ऑफ इज इस सेंसर में नंबर ऑफ डिटेक्टर्स लगे होते हैं दैट इज लीनियर एरे ऑफ डिटेक्टर्स विच आर लोकेटेड एट द फोकल प्लेन ऑफ द लेंस फोकल प्लेन क्या होता है द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ मिरर और लेंस अब यहां पर देखिए मान लीजिए ये कोई लेंस है इसका एक्सिस ये है और मान लो इसका फोकस है ये एफ इज द फोकस ऑफ द लेंस तो फोकल प्लेन क्या हुआ फोकल प्लेन वो प्लेन जो कि फोकस के थ्रू लेंस के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है फोकस के थ्रू यानी कि ऐसे और एक्सिस है इसका लेंस का ये वाला तो इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे तो ये जो प्लेन है ये कहलाता है फोकल प्लेन ये डिटेक्टर्स दिस डिटेक्टर्स मूव अलोंग द फ्लाइट डायरेक्शन मीन्स फ्लाइट की डायरेक्शन में साथ साथ मूव करते हैं यहाँ डायग्राम में देखिए कि ये जो फ्लाइट डायरेक्शन ये है और जो स्कैनिंग डायरेक्शन है वो भी यही है तो लाइन बाय लाइन एक स्नैप शॉट में ये उस इमेज को कैप्चर नहीं करता ये भी लाइन बाय लाइन ही करता है बट इसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है विस्क ब्रूम की और ब्रूम की इसकी डायरेक्शन है आगे और पीछे ये देखिए इस डायरेक्शन में पहले ये इस लाइन को करेगा फिर इस लाइन को करेगा स्कैन इस तरह से ये जो ब्रूम स्कैनर है स्कैनिंग करता है इट कंटेन्स एन ऑप्टिकल लेंस थ्रू विच इमेज इज डिटेक्टेड साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर टू द फ्लाइट डायरेक्शन एक ऑप्टिकल लेंस लगा होता है इस सिस्टम में जो इमेज को लाइन की फॉर्म में डिटेक्ट करता है जो कि फ्लाइट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है मान लीजिए ये जो एरिया है ये कवर करना है ये जो एरिया है ये जो सेल है इतना पोर्शन वो रिकॉर्ड करेगा इस सेंसर में कोई रोटेटिंग मिरर नहीं होता जैसे विस्क रूम में रोटेटिंग मिरर लगा था इसमें कोई मिरर नहीं होता लीनियर डिटेक्टर एरे की हेल्प से ही सेंसर लाइन बाय लाइन इमेज को कैप्चर करता है जुअल डिटेक्टर ऑफ द एरे मीजर एनर्जी फॉर अल ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल अब हम देखते हैं कंपेरिजन करके विस्क्रूम स्कैनर और पुष्प ब्रूम स्कैनर जो विस्क ब्रूम स्कैनर होता है जो उसका स्वाद होता है वो वाइड होता है विस्क्रूम स्कैनर का और जो पुष्प्रूम स्कैनर होते हैं दे हैव नैरो विस्क ब्रूम इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड पुष ब्रूम इज सिंपल सिस्टम विस्क ब्रूम में सिंपल ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है बट जो पुष ब्रूम होता है ये वैसे तो सिंपल सिस्टम है लेकिन जो इसका ऑप्टिकल सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है शोर्टर ड्वेल टाइम जो विस्क ब्रूम स्कैनर होते हैं उनका जो ड्वेल टाइम होता है वो शोर्टर होता है ड्वेल टाइम क्या था कोई सेंसर जो एरिया उसको कैप्चर करना है उस पर कितना टाइम स्पेंड करता है तो विस्क ब्रूम जो स्कैनर होते हैं वो जो एरिया कैप्चर करते हैं उसके ऊपर कम टाइम स्पेंड करते हैं ब्रूम स्कैनर हैव टाइम। जो विस्क ब्रूम स्कैनर है उनका ड्वेल टाइम कम होने की वजह से जो वो इमेज कैप्चर करते हैं उसमें डिस्टोर्शन दि आनी भी ऑब्वियस है तो पिक्सल डिस्टोरशन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रूम स्कैनर और जो पुष्प्रूम होते हैं उनका लोंगर डाइम होता है dwell time वही कि कितना कितना टाइम स्पेंड करता है वो किसी एरिया के ऊपर किसी एरिया के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा तो उसकी इमेज वो अच्छे से ले पाएगा तो जो डिस्टोर्शन होती है वो भी उस इमेज में कम आएंगी तो पुष्प ब्रूम स्कैनर में नो पिक्सल डिस्टोर्शन इज ऑब्जर्व तो आज की वीडियो में हमने देखा कि विस्क ब्रूम और जो पुश ब्रूम स्कैनर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं आपको सिंपल ये बात याद रखनी है जो विस्क ब्रूम स्कैनर होते हैं वो जो इनकी फ्लाइट डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है विस्क ब्रूम में और जो स्कैनिंग करते हैं ये लेफ्ट टू राइट या फिर साइड बाय साइड करते हैं यानी कि परपेंडिकुलर करते हैं फ्लाइट डायरेक्शन के और जो पुष्प ब्रूम स्कैनर होते हैं वो आगे पीछे आगे पीछे ऐसे करके स्कैनिंग करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में और कोई इतना मुश्किल भी टॉपिक नहीं है इजी टॉपिक है ये इनके क्वेश्चंस भी हम करेंगे यूनिट कंप्लीट होने के बाद टॉपिक वाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का टॉपिक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी